हे गाइस, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं हिंदी टेक एचडी। आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि रियलमी नार्जो 20 प्रो और सैमसंग गैलेक्सी F41 में कौन बेस्ट है, और साथ ही देखेंगे कि फोन के कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बॉडी, फीचर्स, कम्युनिकेशन चिप्स और प्राइजेस में कौन विनर है, और आखिर में मैं बताऊंगी आपको कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ कौन सा डिवाइस बेस्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को फोन के कैमरा से। स्टार्ट करते हैं रेयर कैमरा से। नार्जो 20 प्रो में है क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें है 48 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और F41 में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जिसमें है 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो यहाँ विनर है नार्जो 20 प्रो, क्योंकि इसमें है क्वाड कैमरा का सेटअप। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की। नार्जो 20 प्रो में है 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा और F41 में है 32 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा। तो यहाँ क्लियर विनर है F41। अब बात करते हैं कैमरा के फीचर्स की। यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है LED फ्लैश, HDR और पेनोरामा। तो यहाँ है टाई। अब बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो नार्जो 20 प्रो रिकॉर्ड करता है 4K वीडियो 30fps पे और 1080p वीडियो 30 और 60fps पे जायरो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ, और F41 रिकॉर्ड करता है 4K और 1080p वीडियो 30fps पे। तो यहाँ विनर है नार्जो 20 प्रो। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। शुरू करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलता है एंड्रॉयड 10 का सपोर्ट, इसलिए यहाँ है टाई। और अब बात करें यूजर इंटरफेस की। तो नार्जो 20 प्रो में है रियलमी UI और F41 में है वन UI। तो मैं यहाँ करती हूँ टाई, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा UI पसंद है। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। नार्जो 20 प्रो में है MediaTek Helio G95 और F41 में है Exynos 9611। तो यहाँ विनर है नार्जो 20 प्रो, क्योंकि ये आपको देगा बेटर परफॉर्मेंस। और अब बात करते हैं GPU की। नार्जो 20 प्रो में है माली G76 MC4 और F41 में है माली G72 MP3। तो यहाँ भी विनर है नार्जो 20 प्रो, क्योंकि गेमिंग के वक्त ये आपको देगा बेटर FPS। और अब बात करते हैं क्लॉक स्पीड की। नार्जो 20 प्रो की क्लॉक स्पीड है 2.05 GHz बेस्ड ऑन ऑक्टाकोर कोर्टेक्स A76 और F41 की क्लॉक स्पीड है 2.3 GHz बेस्ड ऑन ऑक्टाकोर कोर्टेक्स A73। तो यहाँ विनर है F41, क्योंकि इसकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा है। और बात करें रैम की, तो नार्जो 20 प्रो में है 6 और 8GB रैम ऑप्शन और F41 में है ओनली 6GB रैम ऑप्शन। तो रैम में ऑप्शंस के कारण यहाँ विनर है नार्जो 20 प्रो। अब बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज की। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है 64 और 128GB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन, इसलिए यहाँ है टाई। और यही बात की जाए एक्सपेंडेबल स्टोरेज की, तो दोनों ही डिवाइसेस में है माइक्रो SDXE डेडिकेटेड स्लॉट, इसलिए यहाँ भी है टाई। चलिए अब बात करते हैं डिस्प्ले की। शुरू करते हैं डिस्प्ले साइज से। नार्जो 20 प्रो में है 6.5 इंचेस की डिस्प्ले और F41 में है 6.4 इंचेस की डिस्प्ले। तो यहाँ विनर है नार्जो 20 प्रो। और अब बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की। तो नार्जो 20 प्रो में ये रेशियो है 83.4% का और F41 में ये रेशियो है 84.1% का। तो ज़्यादा रेशियो होने के कारण यहाँ विनर है F41। और अब बात करते हैं डिस्प्ले रेजोल्यूशन की। तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है फुल HD प्लस की डिस्प्ले, इसलिए यहाँ है टाई। और अब बात करते हैं डिस्प्ले टाइप की। तो नार्जो 20 प्रो में है IPS LCD विद 90Hz ऑफ रिफ्रेश रेट और F41 में है सुपर AMOLED। तो यहाँ विनर है नार्जो 20 प्रो, क्योंकि 90Hz की रिफ्रेश रेट आपको देगी बेटर एक्सपीरियंस। और अब बात करते हैं बॉडी की। शुरू करते हैं थिकनेस से। नार्जो 20 प्रो की थिकनेस है 9.4 mm की और F41 की थिकनेस है 8.9 mm की। स्लिमर बॉडी के कारण यहाँ विनर है F41। बात करते हैं वेट की। दोनों ही डिवाइसेस में है 191 ग्राम्स का वेट, इसलिए यहाँ है टाई। और अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। तो दोनों ही डिवाइसेस में है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, इसलिए यहाँ है टाई। और अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। नार्जो 20 प्रो में है प्लास्टिक बैक और एल्युमिनियम फ्रेम और F41 में है प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम। तो स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी होने के कारण यहाँ विनर है नार्जो 20 प्रो। और बात करें सिम की, तो दोनों ही डिवाइसेस में है ड्यूल नैनो सिम सपोर्ट, इसलिए यहाँ है टाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फीचर्स की तरफ।
शुरू करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर से। नाजो 20 प्रो में है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और F41 में है रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो यहाँ विनर है नाजो 20 प्रो क्योंकि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है इजी टू एक्सेस। बात करते हैं सेंसर्स की। दोनों ही डिवाइसेस में है एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी एंड कंपास, इसलिए यहाँ है टाई। बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी की। नाजो 20 प्रो में है 4500 mAh की बैटरी और F41 में है 6000 mAh की बैटरी। तो 6000 mAh की ह्यूज बैटरी के कारण यहाँ विनर है F41। और बात करें चार्जिंग स्पीड की तो नाजो 20 प्रो में है 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग और F41 में है 15 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ विनर है नाजो 20 प्रो बिकॉज इट कैन चार्ज वेरी फास्ट। और बात करें लाउड स्पीकर की तो दोनों ही डिवाइसेस आते हैं नॉर्मल स्पीकर्स के साथ, इसलिए यहाँ है टाई। और बात करें हेडफोन जैक की तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में आता है 3.5 mm का हेडफोन जैक, इसलिए यहाँ भी है टाई। चलिए अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशंस की। तो स्टार्ट करते हैं वायरलेस लैन से। यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है ड्यूअल बैंड वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट एंड हॉटस्पॉट, तो यहाँ है टाई। और बात करें ब्लूटूथ की तो यहाँ दोनों ही डिवाइसेस में है 5th generation का ब्लूटूथ, तो यहाँ भी है टाई। अब बात करते हैं GPS चिप्स की। नाजो 20 प्रो में है AGPS और ग्लोनेस और F41 में है AGPS, ग्लोनेस, गैलीलियो और BDS। तो ज़्यादा चिप्स होने के कारण यहाँ विनर है F41। और बात करें USB की तो नाजो 20 प्रो में आपको मिलता है 2nd generation का Type-C रिवर्सिबल कनेक्टर विद USB OTG और F41 में आपको मिलता है 2nd generation का Type-C रिवर्सिबल कनेक्टर। तो यहाँ विनर है नाजो 20 प्रो क्योंकि इसमें आपको मिलता है USB OTG का सपोर्ट। और अब आखिर में बात करते हैं दोनों फ़ोन के प्राइजेस की। इंटरनेशनल मार्केट में नाजो 20 प्रो का प्राइस शुरू होता है $200 से और F41 का प्राइस शुरू होता है $230 से। और इंडियन मार्केट में नाजो 20 प्रो का प्राइस शुरू होता है ₹15,000 से और F41 का प्राइस शुरू होता है ₹17,000 से। तो अब सबसे आखिर में बारी है इस वीडियो के कंक्लूजन की। तो यहाँ कैमरा में विनर है नाजो 20 प्रो, परफॉर्मेंस में विनर है नाजो 20 प्रो, डिस्प्ले में विनर है नाजो 20 प्रो, यहाँ बॉडी सेगमेंट में है टाई, फीचर्स में विनर है नाजो 20 प्रो, कम्युनिकेशंस में है टाई और प्राइस में भी विनर है नाजो 20 प्रो। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों डिवाइसेस में से कौन सा डिवाइस अच्छा लगा और मुझे कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे तो हमारे हिंदी टेक HD पेज को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी ID है स्क्रीन पे। मैं हूँ अंजलि और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।